बंधे एक डोरी से। माजी एक बार हमारी बात तो सुनिए। माजी आपको हमारी बात का यकीन करना ही होगा। मारे को तो अब तक यो बात का यकीन कोनी है कि इतना होने के बावजूद हमने था को इस घर में काहे रखा। काश यो काम रघु ही आके खत्म करे बेबी जी। मारे को पता कोनी कि थे किस जन्म का बदला ले रहे हो हमसे, और मारे को पता करना भी कोनी। यो बात कान खोल कर सुन लो बेबी। आज के बाद थारा यो हमारा ख्याल रखने का नाटक हमें कभी नहीं दिखाना। और हाँ, इससे पहले कि हम थारे साथ गुस्से में आकर कुछ करें, किते चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठो। शिवानी फोन क्यों नहीं उठा रही है? कैसे कॉन्टैक्ट करूं उससे? अरे रमा, जरा संभाल के, थारे को लगा तो नहीं कटे? कोई जरूरत नहीं है हमारी बेटी को हाथ लगाने की। इस मोहल्ले में कोई भी थारे और तारे घर वालों से रिश्ता रखना ना चाहे। ये थे दोनों काई बात कर रहे हो? अरे सही तो कह रही है, जिस घर के छोटे बेटे के हाथ खून से रंगे होंगे, कौन चाहेगा रिश्ता रखना उस घर से? अरे हमने तो कभी सोचा भी ना था कि थे लोग पैसे के लिए किसी का खून भी कर सकते हो। चलो जी। विमला बहन रुको रुको, थे बिल्कुल गलत सोच रहे हो। थे लोग तुम्हारे विवेक को बचपन से जानते हो ना, वो तो गलती से भी किसी का मन भी नहीं दुखाता बे। उसके हाथों से कुछ भी गलती कोनी हुई है। अरे रहने दो, या तो तुम बहुत बोली हो या बोला बनने का नाटक कर रही हो। सारे टीवी चैनल सारे अखबार क्या झूठे हैं? अपना बेटा तो सबको सीधा लगता है लता बहन। अरे इनकी परवरिश में ही कोई कमी है? देखो ना, बड़े बेटे ने दो दो बहुएं घर में रखी है और छोटा बेटा हवालात में बंद है। अब कृपा करके थारा साया मारे परिवार से दूर रखो। चलो जी। आंटी जी, सच में आप दोनों को शर्म आनी चाहिए माँ जी के साथ इस तरह से बात करते हुए। क्यों, तारी सास कोई देवी देवता है? अब तू भी बोल बोल कि तारा देवर बेकसूर है और कुछ ना किया है उसने, बोल। विवेक जी ने जो भी किया है वो उसकी सजा काट रहे हैं जेल में, लेकिन आप जो माँ जी को सजा दे रही हैं, वो भी किसी गुनाह से कम नहीं है। ये कितने छोटे दिल हैं आप दोनों के। भूल गई आंटी आप वो दिन जब आपके ससुर बीमार पड़े थे? तब वो रघु ही था जिसने दिन रात एक करके उनकी सेवा की थी। जब आपको पैसों की जरूरत पड़ी थी तब वो रघु ही था जिसने आपको पैसों से मदद की थी। और हॉस्पिटल में जब आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो रघु ही था जो हर वक्त वहां पर मौजूद रहता था।
और वो सब सिर्फ माँ जी की परवरिश का ही नतीजा था। और आंटी आप भूल गई जब आपकी बहू प्रेग्नेंट थी वो माँ जी ही थी जिसने आपकी बहू का बेटी की तरह ख्याल रखा था ताकि आपके आने वाली पोती और आपकी बहू को कोई तकलीफ ना हो। और आज आप इन्हीं को कह रही हैं कि आपकी पोती से दूर रहे। अरे जब आप लोग किसी का दुख बांट नहीं सकते ना तो किसी का दुख और बढ़ाइए भी मत। हमें सब कुछ चोखो याद है, भूले कौन नहीं है, लेकिन लता जो कुछ भी तुमने हमारे लिए किया है ना उसके लिए हम एक खूनी का साया अपने घर में कौन नहीं पड़ने देंगे। आंटी जी आप एक बेटे के किए की सजा उसकी माँ को कैसे दे सकती हैं? कहाँ का इंसाफ है ये? अरे जो भी हुआ उसका दुख क्या इन्हें नहीं है, हमें नहीं है? कल को अगर आपका बेटा, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपका बेटा घर छोड़कर चला जाता है तो उसमें किसकी गलती है, उसकी या फिर आपकी परवरिश की? आंटी बिल्कुल ठीक कहा आपने बीबी जी, अच्छे पड़ोसी होने के नाते आपको माँ जी का दर्द समझना चाहिए, उनका दुख बांटना चाहिए, बजाय इसके आप उन्हें और परेशान कर रही है। प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से। निसी अब तक क्यों नहीं आई? क्या हुआ ये सब? किसने किया? अरे तू रो क्यों रही है? जवाब देने सी, कहीं गिर गई थी कहीं? स्कूल के लड़कों ने मुझे परेशान किया, मेरे बाल भी खींचे, उन्होंने मुझे धक्का भी दिया। पता है वो क्या कहते हैं? तेरे मामा एक हथियार है, उन्होंने छोटी सी बच्ची को मारा है। क्या है सच है माँ? कैसा सच? ये किसने किया तुम्हारे साथ? हाँ सब झूठ बोलते हैं बेटा, यो बात सच को नहीं। तू चिंता मत कर, मैं सबको डांटूंगी, कोई तुझे छेड़ेगा को नहीं। तू जाकर कपड़े बदल ले, मैं आज तेरे पसंद का खाना बनाऊंगी, ठीक है? सुनो थे विवेक को छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। हम क्या कर सकते हैं पहला? कुछ नहीं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जो कुछ भी करना था सिर्फ कल तक करना था। अरे अब तो न्यूज चैनल वालों ने इस खबर को बार बार टीवी पर दिखाकर बहुत बड़ा बना दिया। बहुत बड़ा केस हो गया बेला, बहुत बड़ा। अगर बेबी जी चाहती तो कल ही विवेक बाबू की जमानत करा के ये पूरा केस रफा दफा कर सकती थी, लेकिन नहीं,
उन्होंने ऐसा नहीं किया। अरे माना अगर उन्हें विवेक बाबू पर जरा सा शक भी था तो उसकी सजा पूरे परिवार को कैसे दे सकती है वो। बेला चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि विवेक बाबू ने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है, लेकिन ये बात कोर्ट को तय कर लेने दो ना। अरे वो बेबी जी कौन होती है ये बात तय करने वाली। बात तो ठीक कह रहे हैं ये, पर काश ये बात बेबी जी समझ पाती। माँ जी आप प्लीज मत रोइए, ये लोग तो कुछ भी कहेंगे, इनका क्या है, हमें तो सच पता है ना। और आप देखना जब विवेक भैया पर से ये दाग धुल जाएगा ना तो यही सब लोग आके आपसे माफी मांगेंगे। आजी, आजी हम जानते हैं आपको उनकी बातों का बहुत बुरा लगा होगा। नहीं बेबी जी, मारे को थारी तरफदारी की जरूरत ही कोनी थी। थाने मारा साथ कोनी दिया है, बल्कि मारा विवेक अपने किए की सजा भुगत रहा है, यूं कह के मारे मुंह पे तमाचा मारा है। मारा बच्चा ऐसा कोनी कर सकता बेबी जी? जिस दिन मारा बेटा बेगुना साबित होके बाहर निकलेगा ना, उस दिन के बाद मैं जिंदगी भर थारा मुंह कोनी देखूंगी। माँ जी आप हमारी बात का यकीन कीजिए, अगर ये सच ना होता तो हम आपको ऐसा कभी ना कहते, लेकिन हमने अपनी आंखों से सबूत देखा है। माँ जी बस कीजिए बेबी जी, आप चाहती क्या है माँ जी से? एक बार उनके बड़े बेटे की जान पर बनाई थी आपकी वजह से, आज उनका अगर छोटा बेटा हवालात में है तो आपकी वजह से। फिर भी आप कैसे सोच सकती है कि माँ जी दोबारा आप पे कभी भरोसा करेंगी? बीबी जी आप जो कुछ कह रही है ना उससे माँ जी को सिर्फ दुख हो रहा है, और मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं जाता। हाथ जोड़ती हूँ बीबी जी आपके, आप चुप कीजिए और चली जाइए यहां से। माँ जी प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, अगर आप भी हमारा यकीन नहीं करेंगी तो हम कहां जाएंगे माँ जी? ठीक कहीं भी जाओ बेबी जी, मारे को कोई फर्क को नहीं पड़ता, थे मारे परिवार का हिस्सा होई होई, थे इस घर में रहो या ना रहो, मारे को कोई मतलब। मारे परिवार का कोई भी सदस्य था से वास्ता को नहीं रखेगा, और ना ही थारे से बात करेगा। माँ, कसम से शिवानी, तुझे इतने दर्द में देखने से ज्यादा सुख और किसी चीज में नहीं है। मारा बेटा बेगुनाह साबित होके बाहर निकलेगा, उस दिन के बाद मैं जिंदगी भर थारा मुंह कोनी देखूंगी। जो सिर्फ मारे घर का बुरा चाहती है, सिर्फ बुरा और कुछ नहीं। आज अगर विवेक जी जेल में है ना तो वो सिर्फ आपकी वजह से, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? ये क्या कर रही थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ मानी, मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो,
मुश्किलों से इस तरह नहीं लड़ा जाता शिवानी। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। चलो मेरे साथ। शिवानी तुम्हें याद है पार्क? हाँ, हम यहाँ कितना आते थे ना, कभी बंग मार के, कभी स्कूल के बाद, कितना मजा आता था ना। तुम्हें याद है हमने यहाँ किसी बेंच में हमारा नाम लिखा था? याद है उस दिन शाम को हम आए थे यहाँ पर और तुम्हारा मूड खराब था, मैंने कहा कुछ अच्छा सा करते हैं और फिर तुमने सजेस्ट किया कि हमें नाम लिखना चाहिए। तुम्हें याद है कौन सा बेंच है शिवानी? हो हा? शिवानी इधर आओ। अरे अभी तक नाम लिखा हुआ है हमारा, ये देखो अभी तक नाम लिखा है। This is so cool. कुछ भी नहीं बदला, मैं कल भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और आज भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं ना बेस्ट फ्रेंड। शिवानी तुम मुझे अपनी दिल की बात क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कितनी परेशान हो, तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे अगेंस्ट होगी, लेकिन यू नो व्हाट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तुम एक अनजान पेरेंट्स के लिए स्टैंड ले रही, सही बात के लिए स्टैंड ले रही। सोचो अगर तुम विवेक की बेल करा देती तो सब कुछ सही होता, फैमिली में सब लोग खुश होते और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन फिर क्या तुम अपने आप को फेस कर पाती? लेकिन करण हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने घर वालों को कैसे समझाएं। जिस परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया है और उसी परिवार की आंखों में उनकी आंखों में आंसू और उनके चेहरे पर दर्द देखते हैं और ये जानते हैं कि उनकी तकलीफ का कारण सिर्फ और सिर्फ हम हैं, तो हम तुम्हें बता भी नहीं सकते हमारे दिल पर क्या गुजरती है। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ तुम्हें शिवानी, लेकिन तुम एक बात याद रखो, कोई माँ ये कभी नहीं मानेगी कि उसका बेटा गलत, कभी नहीं। इस सिचुएशन में तुम बिल्कुल अकेली हो, लेकिन तुम अपने ऊपर भरोसा रखो, इस पॉइंट पे आके तुम हिम्मत नहीं हार सकती शिवानी। सही कह रहे हो करण, हम अब हिम्मत नहीं हार सकते, लेकिन हम जानते हैं हम अकेले नहीं है, रघु हमारे साथ है, रघु हमारा साथ जरूर देगा। लेकिन करण पता नहीं जब से वो ऑफिस गया है हमने एक बार भी रघु से बात नहीं की है, पता नहीं उसका फोन ही नहीं मिल रहा है, हमने कितनी बार उसका फोन ट्राई किया है। I'm sorry. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा, वरना मैं उसको कभी बाहर नहीं भेजता। तुमने लैंडलाइन पे ट्राई किया? वहां थोड़ा नेटवर्क इशू है, शायद लैंडलाइन पे फोन मिल जाए। ओ, तुम हमें दो ना वहां का लैंडलाइन नंबर दो, हमें अभी रघु से बात करनी है। हाँ मैं देता हूँ, बोलो। 073-2265-267। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर रघु सहरिया प्लीज? अच्छा वो जोधपुर कब तक पहुंचेंगे? ओके थैंक यू।
करण रघु वापस आ रहा है कल सुबह। I'm so happy। अब हमें किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आके सब संभाल लेगा। थैंक्स टू यू करण, हमें तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। कम से कम कोई तो है जो हम पर इतना भरोसा करता है। अब हम चलते हैं करण। देखिए ये रघु सहरिया जी का घर है। जी हाँ, हम उनकी वाइफ बोल रहे हैं। कहिए। मैं मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल जोधपुर से बात कर रहा हूँ। देखिए रघु सहरिया जिस बस से अहमदाबाद से जोधपुर आ रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया।